आज हम आपको 495 HD, जब आरएस था तो इसे 495 HD के नाम से साउल को जाना जाता था, अभी इसे 7459 HD के नाम से जाना जाता है। ये 7495 HD के लूब रूम है। मैं आपको दिखाता हूँ कौन पंप को क्या कहते हैं। देखिए इस पंप को C1 C2, ये C1 है, ये C2 है, ये B1, ये B2, ये A1, ये A2। A1 जो है वो पूरा स्यूस में जाता है, A2 पूरा लोअर रोलर में जाता है, और B1 जो है वो पूरे गियर केस में जाता है, स्विंग गियर केस, क्राउड गियर केस, होस्ट गियर केस। B2 ओनली फॉर जो है वो सैडल ब्लॉक में जाता है। C1 जो है पूरे जो भी शाफ्ट है, शाफ्ट की बेयरिंग में जो है वो उसमें जाता है ये, और C2 ओनली फॉर स्प्रॉकेट में जाता है। ये इसका सोलेनोइड है, जब इसको कमांड देता है तो यहाँ से काम करता है। ये इसका देखिए सब में सोलेनोइड लगे हुए हैं, जिससे कि आप देख रहे हैं काम करता है, जिसकी वजह से पंप काम हो जाता है। ये इसका वेंट वाल है, जो मैं दिखाया था आप लोगों को, रिपेयर किया था आप लोग, बताया था वेंट वाल देख रहे हैं। वेंट वाल में एक लाइन ये एयर का है और ये लूप का है, ठीक है, और ये इसका प्रेशर गेज है। थोड़ा दोस्तों ये लूप रूम थोड़ा सा हल्का गंदा है, जैसे मैं आप सबको दिखा रहा हूँ, आप ध्यान से देख सकते हैं ये लूप रूम है। यहाँ से हम प्रेशर सेट करते हैं कि कितना जाना है, कितना PSI जाएगा, और सिर्फ 90 से 130 PSI तक जाता है इसमें। यहाँ पर देख रहे हैं आप फायर बाल 425 पूरे लूप पंप लगे हुए हैं, जिसको मैं रिपेयर करके भी दिखाया हूँ आपको। और ये जो वेंट वाल है, डायफ्राम भी बोलते हैं इसको, भी मैंने आप लोगों को रिपेयर करके बताया है, दिखाया है। और भी अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट में बताइए कि क्या क्या चाहिए आपको, मैं साउल 495 HD का पूरा डिटेल्स जानकारी दूंगा, जो भी कमी है। ये जो है ये जो देख रहे हैं सिस्टम B1, सिस्टम A1 पावर ऑन, ये जैसे सिस्टम रेडी होता है सभी लाइटें ग्रीन जलती हैं, और जब कोई फॉल्ट आता है तो ये रेड लाइट जल जाती है। देख रहे हैं ये स्विच दिया है मैनुअली, ऑन ऑफ इसी से होगा। ये ओरिजिनल टैंक का मेन, ग्रीस टैंक, ये ओरिजिनल टैंक का, यहाँ से ओरिजिनल फिलिंग होता है, वहाँ से MPG फिलिंग, यहाँ से ओरिजिनल फिलिंग होता है। ये भी यार ओरिजिनल बगाची।